हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स निटिंग एंड स्टाइल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, आज मैं ये दो रंगों का पैटर्न लेकर आई हूँ। ये मैंने रेड और क्रीम कलर के ऊन से बनाया है। आप अपने पसंद का कलर यूज़ कर सकती हैं। देखिए, बहुत प्यारा सा पैटर्न है, लेकिन बुनने में बहुत ही आसान है। राइट साइड से ये कुछ इस तरह का दिखता है, सॉरी रॉन्ग साइड से ये इस तरह का दिखता है। और इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल में फंदे डालने होते हैं, 6 + 6 + 6 करके, और दो फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने होते हैं एज ए एज स्टिच किनारे के लिए, ताकि जब हम स्वेटर की सिलाई करें तो फिनिशिंग अच्छी आए। और 8 सिलाइयों में यह पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। 4 सिलाइयों में हम पैटर्न बनाते हैं और अगले 4 सिलाइयों में हम पैटर्न को दोबारा से सेट करते हैं, सिर्फ जगह को चेंज करके। तो चलिए हम पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। पैटर्न बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मॉम्स निटिंग एंड स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ नए नए डिज़ाइन शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा। तो चलिए हम पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल में फंदे चाहिए होंगे, तो यहाँ पर मैंने 6 के मल्टीपल में 18 फंदे डाले हैं, प्लस 2 फंदे किनारे के लिए एज ए स्टिच, तो टोटल हो गए 20 फंदे। और हम पैटर्न को रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे, तो फर्स्ट लाइन हमारी रॉन्ग साइड की होगी। तो आप अपने पसंद का कोई भी बॉर्डर बना लें, उसके बाद इस पैटर्न को बनाना शुरू करें। ये देखिए, फर्स्ट लाइन हमारी रॉन्ग साइड की है। पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, दो, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा भी उल्टा, दो फंदे हमारे अब रेड कलर से बुने जाएंगे। देखिए, एक उल्टा और ये दो उल्टा, चार फंदे उल्टे क्रीम कलर से, एक, दो, तीन, चार, एक बार फिर दो फंदे रेड कलर से, एक उल्टा, दो उल्टा। इन्हीं 6 फंदों को हमें दोहराना है, दो दो रेड कलर से, 4 क्रीम कलर से, एक बार फिर 4 फंदे क्रीम कलर से, एक, दो, तीन, चार, और एक बार फिर रेड कलर से, एक, दो। ये 3 फंदे हमारे पास बच गए हैं, इन्हें हम क्रीम कलर से बुन देंगे, एक, दो, तीन। ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, जो कि रॉन्ग साइड का था। अब हमने सेकेंड रो बुननी है, जो कि राइट साइड का है। पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा फंदा भी सीधा, ये दो फंदे हमारे रेड हैं, इन्हें हम रेड से ही बुनेंगे, एक, दो। एक बार फिर 4 फंदे क्रीम कलर से, एक, दो, तीन, चार, दो फंदे रेड से, एक, दो। एक बार फिर क्रीम कलर से, एक, दो, तीन, चार, ये दो फंदे रेड हैं, तो इन्हें हम रेड से ही बुन लेंगे और पीछे की तरफ उनको फंसाते हुए बुनाई करेंगे। और ये 3 फंदे क्रीम कलर से सीधा, ये हमारे सेकेंड लाइन भी कंप्लीट हो गई। थर्ड रो हमारी रॉन्ग साइड की है। थर्ड रो हमें पूरी की पूरी क्रीम कलर से बुननी है। पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा भी उल्टा, लेकिन दो बार ऊन लपेट कर, सॉरी, तीसरा फंदा भी उल्टा। ये दोनों फंदे हम अब क्रीम कलर से बुनेंगे और दो बार ऊन लपेट कर, एक, और ये दो, 4 फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, ये दोनों रेड फंदे भी अब हम क्रीम से बुनेंगे दो बार लपेट कर, एक, दो,
चार उल्टा, एक दो तीन चार, ये दोनों फंदे जो रेड हैं इसे हम क्रीम से बुनेंगे दो बार ऊन लपेट कर, और ये तीन फंदे उल्टे सिंपल तरीके से। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो हमारी राइट साइड की है। पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे। ये दो फंदे हमारे सिंपल तरीके से बुने हुए हैं और ये दोनों फंदे दो दो बार ऊन लपेट कर, यानी ये दोनों फंदे लंबे लंबे से हैं, तो हम इनमें से पहले दूसरे और तीसरे फंदे को इस तरह से दाहिनी सिलाई पर डालकर इस फंदे को खोल लेंगे। ये देखिए, और इन दोनों फंदों को पीछे कर लेंगे पीछे की तरफ से, और इस लंबे वाले फंदे को आगे ले आएंगे। ये देखिए, बाएं सिलाई पर डाल लेंगे और इसे सीधा बुन लेंगे, दूसरा भी सीधा और ये तीसरा फंदा भी सीधा। ये वाला फंदा हमारे पास फिर से एक लंबा वाला है, सबसे पहले तो हम इसे खोल लेंगे और इन दोनों फंदों को हम पीछे की तरफ से आगे ले आएंगे, यानी हमें इस लंबे वाले फंदे को लिफ्ट ट्विस्ट करना है। ये देखिए, इस तरह से तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन, दो फंदे हमारे पास सिंपल तरीके से बुने हुए हैं और यहाँ पर ये दो फंदे दो बार लपेट कर बुने हुए हैं। इसमें से हम पहले फंदे को खोल लेंगे और इसे राइट ट्विस्ट कर देंगे इस तरह, ये देखिए, और ये दोनों फंदे पीछे की तरफ से पीछे चले जाएंगे। पहले हम लंबे वाले फंदे को बुन लेंगे सीधा और फिर इन दोनों फंदों को। यहाँ पर हमने राइट ट्विस्ट कर लिया, अब हमें इस फंदे को लेफ्ट ट्विस्ट करना है इन दोनों फंदों के साथ। देखिए, एक फंदा, ये दूसरा फंदा, और ये फंदा हमारा खुल गया, इसे हम इस तरह से पीछे कर लेंगे और तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन। एक बार फिर इस वाले फंदे को खोलते हुए आगे कर लेंगे, यानी राइट ट्विस्ट करेंगे और ये दोनों फंदे पीछे चले जाएंगे और तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन। इस फंदे को अब हमने खोल लेना है और इन दोनों फंदों के साथ लिफ्ट ट्विस्ट कर देना है। ये देखिए, दो सीधा और ये तीसरा भी सीधा, और ये लास्ट का फंदा। ये हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए, यहाँ पर हमने चार सिलाइयाँ बुन ली हैं, चार लाइन में हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब हमने पैटर्न को रिपीट करना है अगले चार लाइन में, सिर्फ जगह बदलना है, यानी ये वाला यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर, ये जो बीच के जगह हैं यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए, सेम इसी तरह से रिपीट करना है, सिर्फ जगह चेंज हो जाएगा, ये इसके ऊपर ना बन करके यहाँ पर इन दो पैटर्न के बीच में आएगा। इसे कैसे सेट करना है ये देखिए, फिफ्थ रो में हम इसे रिपीट करेंगे सेट करते हुए। पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे और ये जो लंबे वाले फंदे हमने बुने थे, ये देखिए, ये लंबे लंबे से जो फंदे हैं हमारे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इन सबको हमें इस बार रेड कलर से बुन देना है। तो ये वाला फंदा हमने लंबा वाला बुना है, ये देखिए, इधर से देखने पर ये हम पहचान सकते हैं कि कौन सा फंदा हमारा पिछली लाइन में लंबा वाला था। ये देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर दो फंदे हैं, यहाँ पर दो फंदे हैं और यहाँ पर एक फंदा है, तो इन सबको हमें रेड कलर से बुन देना है। ये देखिए, यहाँ पर एक ही फंदा है तो हम एक ही बुनेंगे। फिर चार फंदे हमारे क्रीम कलर के हैं, दो तीन चार, और ये देखिए, यहाँ पर एक ये वाला
लंबा वाला फंदा हमने पिछली सिलाई में बुना था और ये वाला, तो हम इस फिफ्थ रो में इन दोनों को रेड से बुनेंगे। एक उल्टा, दो उल्टा, बीच में चार फंदे क्रीम कलर से, एक, दो, तीन, चार, एक बार फिर दो फंदे रेड कलर से, एक बार फिर चार फंदे क्रीम कलर से। ये अपने आप सेट हो जाएगा। जब हम शुरू के दो फंदे जो कि हमने पिछली सिलाई में लंबे वाले बुने थे उन्हें अगर हम रेड से बुन लेंगे तो फिर आगे के फंदे खुद ब खुद सेट हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक फंदा हमारा, ये देखिए हमने पिछली बार लंबा वाला बुना था, इसे हम रेड से बुन लेंगे और ये लास्ट का फंदा क्रीम कलर से। ये हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। सिक्स्थ रो हमारी राइट साइड की है। सिक्स्थ रो हमें क्रीम कलर के फंदों को क्रीम से और रेड कलर के फंदों को रेड कलर से बुनते हुए सिंपल तरीके से पूरा कर लेना है। ये देखिए हमने रेड कलर के ऊन से बुन लिया, ये चार फंदे हम क्रीम कलर के ऊन से बुनेंगे, तीन, चार, ये दो फंदे रेड हैं तो इन्हें हम रेड से बुन लेंगे, एक, दो, एक बार फिर चार फंदे क्रीम कलर के ऊन से बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, दो फंदे रेड कलर से, एक, दो, चार फंदे क्रीम से, एक, दो, तीन, चार, और ये एक फंदा हमारा रेड है तो इसे हम रेड से बुन लेंगे। ये किनारे का फंदा हमारा क्रीम कलर के ऊन से बुना जाएगा। ये हमारा सिक्स्थ रो कंप्लीट हो गया। सेवेंथ रो हमने पूरी की पूरी क्रीम कलर के ऊन से बुननी है। ये देखिए पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे और जो भी रेड वाले फंदे हैं उसे हम क्रीम कलर के ऊन से ही उल्टा बुनेंगे लेकिन दो बार लपेट कर। ये देखिए इस फंदे को हमें क्रीम से बुनना है लेकिन दो बार ऊन लपेट कर, और बाकी बीच के चार फंदे हमें सिंपल तरीके से उल्टा बुनते जाना है। दो, तीन, चार, ये दोनों फंदे भी हम क्रीम से ही बुनेंगे लेकिन दो बार ऊन लपेट कर। ये हमने पहला फंदा बुन लिया और ये दूसरा वाला, दो बार ऊन लपेट कर। बिल्कुल आसान सा पैटर्न है। दो, तीन, चार, ये रेड कलर के फंदे को हम दो बार ऊन लपेट कर बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, रेड कलर के फंदे को हम क्रीम कलर के ऊन से दो बार लपेट कर बुनेंगे और ये हमारा किनारे का फंदा। एट्थ रो हमारी राइट साइड की है। पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे। ये रेड कलर के फंदे के ऊपर जो हमने बुना था ये लंबा वाला फंदा है, चूँकि हमने इसे दो बार लपेट कर बुना है, इसे हम खोल लेंगे। ये देखिए ये लंबा सा फंदा आ गया हमारे पास। इसे दो फंदों के साथ लिफ्ट ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। दो फंदे हमने आगे कर लिए पीछे की तरफ से और इसे हम इस तरफ कर लेंगे। तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, एक, दो, तीन। एक बार फिर इन दो फंदों को छोड़कर इस वाले फंदे को जो कि लंबा सा है इसे राइट ट्विस्ट करेंगे इन दो फंदों के साथ, इन दो फंदों के साथ। ये देखिए ये पहले आ गया, इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, दो, तीन। अब हम इस वाले फंदे को इन दोनों फंदों के साथ लिफ्ट ट्विस्ट करेंगे, ये देखिए इस तरह से तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, एक, दो, तीन। अब इन तीन फंदों में हमें सेम इसी प्रोसेस को दोहराना है। इस लंबे वाले फंदे को हम आगे कर लेंगे यानी राइट ट्विस्ट करेंगे इन दोनों फंदों के साथ, ये देखिए, और तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे,
अब हम इन तीन फंदों में लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे। इसे पहले हमने खोल लिया, इस फंदे को और इस फंदे को हम आगे कर लेंगे और इसे पीछे, तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। एक, दो, तीन। सेम यही प्रोसेस हमें इन तीनों फंदों में दोहराना है। तीसरे फंदे को राइट ट्विस्ट करेंगे और इन दोनों फंदों को पीछे कर लेंगे, तीनों फंदे सीधे बुने जाएंगे। और ये लास्ट का फंदा सीधा। ये हमारी सेवेंथ एट्थ रो कंप्लीट हो गई। इन आठ सिलाइयों में हमारा पैटर्न भी ये देखिए कंप्लीट हो गया। चार लाइन में हमने पहली बार पैटर्न बनाया और अगली चार लाइन में हमने पैटर्न को रिपीट किया है, सिर्फ जगह को चेंज किया है। ये यहाँ पर का यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर का जगह खाली हो गया और यहाँ पर आ गया। इस पैटर्न को हम और आगे बुनेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, देखिए। तो आप भी इस पैटर्न को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।